खबर अलवर से। अलवर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में सबसे बड़े अस्पताल की हर चिकित्सा व्यवस्था मानकों के अनुरूप रहे, इसके लिए कार्य योजना बनाकर उस पर अमल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में कार्यरत मैन पावर का बेहतर उपयोग किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि संविदा शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सफाई कर्मी उपलब्ध कराने वाली फर्मों को ब्लॉक लिस्टेड कराने की कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सुनिश्चित करवाया जाए कि फर्म द्वारा संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों का SIPF की कटौती अनिवार्य रूप से हो। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं RGSH योजना की IPD में वृद्धि करवाई जाए। इसमें लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्लेम बुक करने पर अस्पताल की आय में इजाफा होगा। इससे प्राप्त राशि का उपयोग अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने में किया जाएगा। उन्होंने अस्पताल में कार्यरत चिरंजीवी स्वास्थ्य मार्गदर्शकों के द्वारा चिरंजीवी IPD बढ़ाने पर आवश्यकता अनुसार और चिरंजीवी स्वास्थ्य मार्गदर्शक लाने पर सहमति दी। उन्होंने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि सामान्य अस्पताल में इसी माह से 25,000 लीटर अतिरिक्त पानी की आपूर्ति में वृद्धि करें। PMO के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर ने समीक्षा कर निर्देश दिए कि यदि एक माह में चिकित्सा विभाग द्वारा बायोकेमिस्ट मशीन उपलब्ध नहीं होती तो उसे खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। उन्होंने सामान्य अस्पताल, जनाना एवं शिशु अस्पताल में विद्युत ऑडिट कराने के निर्देश दिए तथा शिशु अस्पताल में SNCU व FBNC यूनिट में विद्युत सप्लाई रिपेयर कार्य कराने की आवश्यकता अनुसार अस्पताल में विद्युत कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के लिए CRM मशीन और आवश्यकता उपकरण खरीदने, ENT रोग के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने, नेत्र विभाग के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने, ऑपरेशन थिएटर में 4 OT टेबल खरीदने, शिशु चिकित्सालय में एक्सरे मशीन खरीदने पर सहमति प्रदान की। इसी प्रकार उन्होंने सामान्य महिला एवं शिशु चिकित्सालय में आवश्यक फर्नीचर उपकरण एवं रंग पेंट की सहमति भी दे दी है। सर, आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह की समस्या आई, क्या RMRS की बैठक हुई है? इसमें जो IOPD और आई के पेशेंट के लिए जो सर्जरी टेबल है, अन्य इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, वो खरीदने के निर्णय लिए गए हैं ताकि ये हमारे पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छी सुविधा मिले। साथ ही OT टेबल भी खरीदने के डिसीजंस हुए हैं। कुछ वार्डों के अंदर अन्य पेशेंट्स के लिए जो सुविधाएं बढ़ सकती हैं, सभी प्रकार के डिसीजन लिए। विस्तृत प्रेस नोट आपको शीघ्र ही शेयर किया जाएगा। अच्छा, एक अहम सवाल है सर कि राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।